क्योंकि सेलिब्रेट यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। हालत ऐसी हो गई कि अब गेट के बाहर से देख के जाना पड़ेगा। पार्क बंद क्या कर सकते हैं, बाहर जो है लोगों की कितनी भीड़ है। सब लोग आ रहे हैं लेकिन लौट के जा रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से देख लीजिए क्योंकि अंदर एंट्री नहीं है। तो इस ठंडी में भाई की तरफ से एकदम गर्मा गर्म हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओहो गेट बंद है भैया, गेट बंद है। एकदम न्यू ईयर वाली वाइब है पूरी एकदम। पटना में खतरनाक तरीके से लोगों ने रात में पटाखे उठाके फोड़े, मैं तो सुन रहा था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप पार्क्स वगैरह में नहीं घूम सकते हैं। पार्क में आपको जाने के लिए कोई इजाज़त नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से बता रही है, लोगों को समझा रही है कि आप मत आइए। वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। गांधी मैदान का इस तरह का हाल, यहाँ पर सिवाय पुलिस के और कोई नहीं है। जो लोग हैं भी वो गेट के बाहर झांक रहे हैं कि काश अंदर जाने को मिल जाए। गांधी मैदान एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पर न्यू ईयर के लोग सेलिब्रेशन किया करते थे, आते थे यहाँ पर घूमते थे। और ये खाली स्पेस है तो यहाँ पर घूमने में लोगों को मज़ा भी आता था, लेकिन अभी नहीं आ सकते भाई साहब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर जो है लोगों की कितनी भीड़ है कि जो अंदर आ सके गेट के किनारे। लेकिन सबको प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग यहाँ पर भीड़ मत लगाइए। पुलिस जो है वो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही है और लोगों को ये समझा रही है कि आप लोग यहाँ पर मत आइए। कोविड की वजह से सब कुछ बंद है। अगर आप लोग पार्कों में आ रहे हैं घूमने के लिए तो फिर आप सोच लीजिए, आपको नहीं मिलने को मिलेगा, नहीं यहाँ पर घूम सकते हैं आप। क्योंकि प्रशासन की तरफ से गृह विभाग का साफ तौर पर आदेश है कि कोविड-19 के नए वेरियंट को लेकर के ये गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको फॉलो किया जाए, और उसी को फॉलो करवाने में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कि गांधी मैदान का क्या हाल है। सामने वो बिस्कुमान भवन है और वहाँ पर आप देख सकते हैं बापू सभागार भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। और ये वही गांधी मैदान है जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में न्यू ईयर के दिन आते थे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस आपको दिखाई देगी जो लोगों को ये समझा रही है कि यहाँ पर अंदर नहीं आना है। और सर जैसे कि बता रहे थे हमें कि लोग इनको गाइडलाइन क्या दी गई है और किस तरह से ये फॉलो करवा रहे हैं उसको। बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। खुला रहना चाहिए। तो गेटे पर फोटो खिंचवा के चल जाइए क्या? गेटे पे खिंचवा। कैसा लग रहा है यार कि आज न्यू ईयर को बाहर निकले और घूमने को कुछ मिल नहीं रहा है? इस बार तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा कलर हो गया है कोविड को लेकर के। सावधानी भी जरूरी है। बिल्कुल, सरकार ये बहुत अच्छा कर रही है कि सब जगह सारा कुछ बंद है। पटना में सारा पार्क। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और मटर गश्ती ने यहाँ पे पूरे खड़ा है। कैसा लग रहा है न्यू ईयर? चलो चलो ठीक है यार, सबको हैप्पी न्यू ईयर। अंदर जाने को नहीं मिल रहा क्या आज? बंद है तो अंदर बंद है तो बाहर ही फोटो खिंचा लिया है ना। गांधी मैदान का गेट नंबर 10 है और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो गांधी मैदान के बाहर फोटो खिंचा ले रहे हैं। खाने पीने जाएंगे KFC में, है ना, खाएंगे। बंद है तो क्या कर सकते हैं? गांधी मैदान बंद है तो क्या कर सकते हैं? पार्क बंद है क्या कर सकते हैं बताइए आप। हाँ मतलब न्यू ईयर पार्क में ही मनाते थे क्या? न्यू ईयर के न्यू ईयर यार मनाने न्यू ईयर यार मनाने पर बंद कर दिया। क्या करें, क्या होता है। तो गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के बाहर देखिए कितनी भीड़ लगी है लोगों की, लेकिन अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। बच्चे जो है ना बाहर से ही झांक झांक के देख रहे हैं। गांधी मैदान आए थे, बच्चा परेशान कर रहा था कि भाई चलिए सर गांधी मैदान। मतलब कि हालत ऐसी हो गई कि अब गेट के बाहर से ही देख के जाना पड़ेगा। खास करके वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना भाई, लेकिन सेलिब्रेट यहाँ पर हो नहीं पा रहा है बिकॉज कि गांधी मैदान बंद है। और हर न्यू ईयर में गांधी मैदान एक ऐसा प्लेस होता था जहां पर बहुत लोग आकर के एंजॉय करते थे, बट अभी क्या है कि हालत कुछ ऐसी है कि यहां पर गेट पे लगा है ताला और ताला में लगा है भाई साहब देखो अंदर कोई जा नहीं सकता है। सो अभी हम लोग गांधी मैदान से निकल रहे हैं। ओहो बहुत ठंड है यार, ठंड में कमी नहीं है। न्यू ईयर में ठंड जैसी होनी चाहिए ना, वैसा ठंड है। जैसे कि 1 जनवरी को ठंड रहता है वैसी ही ठंड आपको देखने को पूरी मिल जाएगी पटना में एकदम। आज धूप तो निकला ही नहीं है और धूप तो आप छोड़ ही दो, हवा ही बहुत तेज़ चल रही है यार, तो इसलिए ठंड ही बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन ये देखना ज़रूरी था कि आज पटना कितना एंजॉय कर रहा है, क्या कुछ है पटना में देखना तो पड़ता ना भाई। ओ हो एक लंबे अरसे के बाद आज एक बार फिर से मोटो ब्लॉगिंग मोड में, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। बहुत दिनों से ऐसा लोग कह रहे थे, कमेंट किया जा रहा था कि आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो आजकल यार, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग का तो अपना ही मज़ा है ना। तो लो भैया आ चुका हूँ पटना की सड़कों पर, तो ठोको लाइक और ठोको कमेंट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई। ओहो जरा देखिए तो सभ्यता द्वार का क्या हाल है।
सभ्यता द्वार पटना का वो प्लेस है जो इसमें गंगा वाला सीन लेकर के लोग व्यू का मजा उठाते हैं, लेकिन सभ्यता द्वार हो या फिर ज्ञान भवन हो सब बंद है। गांधी मैदान तो क्लोज है ही, उस पर तो ये चिल्ड्रन पार्क, इस पर भी सभी झूले वगैरह जो है एकदम शांत पड़े हुए हैं, इसके अंदर एंट्री नहीं है भाई। देख लो आप चिल्ड्रन पार्क का क्या हाल है, सब लोग आ रहे हैं लेकिन लौट के जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी उम्मीद लेकर के आए हैं कि पटना का गोल घर देख करके घर जाएंगे, लेकिन गोल घर अगर आपको देखना है तो बाउंड्री के बाहर से देख लीजिए क्योंकि अंदर एंट्री नहीं है। ये देखिए बाहर से लोग झांक झांक के देख रहे हैं कि अंदर खुला है क्या, सब लोग झांक झांक के यहाँ से देख रहे हैं भाई, बट गोल घर के गेट पर लगा है ताला, तो यहाँ से सबको लौट के जाना पड़ेगा। वैसे तो अगर कोविड की बात करें तो पिछले 2 साल से ही सब कुछ ही बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव हो रहा है, हर चीज़ पर पाबंदी लगी है, लेकिन कुछ ऐसे ओकेज़न होते हैं ना जिस पर बहुत ही ज़्यादा मन करता है लोगों का सेलिब्रेट करने का, उसमें से ये न्यू ईयर भी है। और न्यू ईयर के दिन यानी कि जो 1 जनवरी होता है ना, उस दिन लोग बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें और अपने नए साल को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो इस नए साल पर पार्क्स वगैरह जो है ना, वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लोग अपनी मेमोरीज़ को बना करके उसको रखते हैं और हमेशा के लिए याद करते हैं। क्यों भाई आप बताओ, ऐसा है कि नहीं है? तो अगर इस टाइम पर ये जो पार्क वगैरह बंद है तो एक तरह से ये सही भी है, और दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है। अब ये देख लो बिहार म्यूज़ियम के बाहर भी लोगों की भीड़ लगी है, सोच करके आए थे कि यार यहाँ पर तो कम से कम घूमने को मिल जाएगा हमें, लेकिन बंद है और बाहर से ही लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इस ठंडी में भाई की तरफ से एकदम गर्मा गर्म हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो, ये आप दुआ करिएगा। सारे झूले खाली हैं, सब कुछ खाली है, और हम लोग पटना के इको पार्क पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ की हालत कैसी है। ओहो गेट बंद है भैया, गेट बंद है, मत आइए, गेट बंद है यहाँ पर। इको पार्क तो यहाँ पर बहुत लोग होते थे यार, इको पार्क घूमने के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन इको पार्क भी पूरा बंद है। हाँ बाहर से ही लोग वीडियो बना रहे हैं यार कि हम लोग इको पार्क आए थे, लेकिन जा कर के कहेंगे क्या घर पर कि बंद है। यहाँ पर बोर्ड पे तो लिखा है क्रिसमस और नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन लौट के जाना पड़ेगा अब। ओहो, चलो भाई। सो इको पार्क तो है बंद, शुभकामनाएं दे दी गई हैं, बट यहाँ आने से कोई आपको फ़ायदा नहीं है, टिकट काउंटर भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो हम लोग भी यहाँ से अब निकलते हैं। घर आने के बाद डुगू ने गेट खोला, और डुगू गोली भी आ गया है, गोली। बहुत ठंड है भाई, तूने गले में क्या पहना है दिखा? ये गिटार वाला है क्या? गजब यार, पूरा स्टाइलिश हो गया। तो तुम बोल रही थी ना कि पार्क जाना है घूमने के लिए, देखो पार्क सब बंद है। तो हम लोग पार्क देखने के लिए गए थे कि पार्क बंद है कि खुला हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर मामा, हैप्पी न्यू ईयर। आज ऐसा हैप्पी न्यू ईयर हुआ कि सब लोग घर में ही है ना रितु, कोई घूमने नहीं गया ना। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यार, एकदम हालत ख़राब करने वाली ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठंड एकदम एक्सट्रीम है और लेकिन मज़ा आ रहा है। और पता है पार्क कैसे हो रहा है? पार्क हो रहे एकदम सन्नाटे, वहाँ पुलिस डंडे से पीट रही है। बंद हो गया ये देखो, इनको पता ही नहीं है क्या? पार्क जो है वो सब कुछ बंद हो चुका है, और पटना में क्या मतलब पूरे बिहार में पार्क बंद है। ओमिक्रोन वायरस जो आया है उसके बाद से बहुत ज्यादा एहतियात ले रही है गवर्नमेंट। नया साल आया, आई होप इस नए साल में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। 2021 की तरह तो ना हो बिल्कुल भी, 2020 की तरह भी ना हो बिल्कुल भी। बहुत परेशान कर दिया लोग इस वायरस ने, आई होप ये जो नया साल है हमारा बहुत अच्छा जाए। और मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि नया साल बहुत ही अच्छा जाए। फिलहाल हम लोग अभी छत पर हैं और छत पे ये गंगा नदी वाले वाइब को फील कर रहे हैं। आपके एक फॉलोअर मिला था शहनाज लाइफस्टाइल का, हाँ बोल रहा था कि भाभी जी कहाँ हैं, मैं बोला भाभी जी घर पे हैं। तो आपको भाई साहब मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।